welcome back to my YouTube channel. This is Hina Bhatia and welcome to a new vlog, guys. And सबसे पहले तो जुले from Spiti Valley. Yes, guys. So as you know that our winter Spiti trip is going on, and I hope so कि इससे पहले वाले आपने videos देखे हैं. हमने दिल्ली से start किया था, दिल्ली से शिमला, शिमला से हमने कल्पा को explore करा, then कल्पा के बाद हम सांगला गए, सांगला में हमने दो दिन stay करा, होली celebrate करी, फागुली festival यहाँ का, and then फिर हम चितकुल गए, and अब finally अब हम आ चुके हैं काजा में, which is in Spiti Valley. So again, जुले from here, and I'm so glad to be back here. और यस, सो टू मच एक्साइटेड. और आज के दिन हम करने वाले हैं काजा को एक्सप्लोर. पूरा आपको दिखाऊंगी कि काजा में देखने के लिए क्या क्या है, कैसे एक्सप्लोर कर सकते हो, कितना खर्चा आएगा, हम यहाँ पर कहाँ स्टे कर रहे हैं. दिस इज़ अ वेरी गुड होम स्टे जहाँ पर मैं स्टे कर रही हूँ, प्लस वेरी बजट फ्रेंडली ऑल्सो. और यस, यहाँ के ओनर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत ही हम्बल है. तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस ब्लॉग में शेयर करने वाली हूँ. अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अगर अभी तक नहीं किया तो. एंड लेट्स बिगिन. ओके, तो सबसे पहले शुरू करते हैं होमस्टे की इन्फॉर्मेशन से. ये जो होमस्टे, इस होमस्टे का नाम है सेवन पाइंस होमस्टे, काजा में ही है, मेन मार्केट के पास है. यहाँ पे टेम्परेचर अभी -7 है और रात को -10 तक टच हुआ था, तो ठंड तो डेफिनेटली है. बट जो कमाल की चीज़ है वो है दिस. ये आपको पता है हिमाचली घरों में होती है, एंड ये बहुत हेल्प करती है. तो ये मेरे को बिल्कुल भी ऐसा सच कोई ठंड नहीं लग रही है. ऑल दो बाहर निकलेंगे तो बहुत ठंड लगने वाली है, आई नो दैट. सो या, दिस इज़ अ इन्फॉर्मेशन अबाउट होम स्टे, सेवन पॉइंट होम स्टे. होम स्टे का नाम है 1500 रुपीज़ पर पर्सन पर डे का ये कॉस्ट है, इंक्लूडिंग यहाँ पर रहने का कॉस्ट है, इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट एंड डिनर, विच इज़ सो गुड. आई मीन 1500 में आपको ब्रेकफास्ट मिल रहा है, डिनर मिल रहा है, एंड आपका स्टे है पर पर्सन. यहाँ पे प्राइस जो है रूम के बेसिस पे नहीं है, पर पर्सन के बेसिस पे है. तो अगर आप एक रूम में दो लोग रुकोगे तो वो 3000 हो जाएगा. सो ये थी इन्फॉर्मेशन अबाउट द होम स्टे एंड द प्राइसिंग. अब आपको मैं, अभी हम ब्रेकफास्ट करेंगे यहाँ पर, ब्रेकफास्ट करके फटाफट निकलेंगे घूमने के लिए, बिकॉज आज का पूरा दिन हमने घूमना ही घूमना है, एंड इट्स अ लॉन्ग डे. वैसे तो मैंने काजा एक्सप्लोर किया हुआ पहले भी, बट कुछ जगह ऐसी होती है जिसको आप दोबारा एक्सप्लोर करने में बिल्कुल माइंड नहीं करते, एंड काजा इज़ वन ऑफ दैम. सो यस, आई एम एक्साइटेड. सो हेयर इज़ ब्रेकफास्ट, वही परांठे भी आएंगे वैसे तो, और ये है पोहा, खाती हूँ मैं, फिर चलते हैं. हेलो बच्चों, से हेलो, हेलो ऑन द कैमरा, हेलो हेलो. अरे जुले, जुले जुले जुले, कैसे हो आप? ठीक भैया. ठंड नहीं लग रही आपको? नहीं लग रही ठंड? बहुत ठंड है. सो ये होम स्टे से बाहर निकले, थोड़े बच्चे थे यहाँ पर, इनसे बातें कर रही हूँ. अभी हमारी टैक्सी आ जाएगी, फिर हम एक्सप्लोर करेंगे काजा. ये हमारे होम स्टे के ओनर है, हाय कर दो. नहीं आया अभी, अभी नहीं आए ड्राइवर भैया, हाय कर दो. हाय, हम क्या है? मेरा नाम टशी. टेन सिंह. टशी टशी टशी. ओके, सो यहाँ पे अभी टेम्परेचर क्या होगा सर? अभी माइनस में चला हुआ है. माइनस में, माइनस में देख लो, माइनस में टेम्परेचर है. कजाकिस्तान का टेम्परेचर अगर कर सकते हैं हम टॉलरेट, तो ये तो अब क्या ही है, आदत हो गई अब तो. है जो हम एक्सप्लोर करने वाले हैं वो है लांगजा. लांगजा में बुद्धा जी का एक बहुत ही फेमस एंड सुंदर बुद्धा स्टैचू है जो कि मेरे पीछे है. जा रही हूँ वहाँ पर, अभी दिखाती हूँ आपको पास से. एंड यहाँ पे एंट्री फ़ी है 30 रुपीज़ पर पर्सन, और या दैट्स इट. सो शुरुआत हमने यहाँ से करी है, और इस लांगजा विलेज को इंडिया का फॉसिल विलेज के नाम से ही बोला जाता है. आप देखोगे चारों तरफ खाली लैंड है, एंड दिस प्लेस इज़ नोन एज फॉसिल विलेज ऑफ आर इंडिया. और यहाँ पर एक ही कैफ़े देख रहे हो, स्पेस शिप कैफ़े भी है. यहाँ पर मैंने मैगी खाई थी लास्ट टाइम,
सो या दिस इज द सीन. इतना अच्छा लग रहा है ना यहाँ पे, अभी क्राउड नहीं है. हाइट है 14,000 फीट समथिंग, एंड ये जो पूरा स्टैचू आप पीछे देख रहे हो ये 35 फीट का है और बहुत ही अमेजिंग लोकेशन पर है. और यहाँ से चारों तरफ कुछ नहीं दिखेगा आपको, जस्ट स्नो स्नो माउंटेन्स एंड शांति. सो सिंस अभी सुबह सुबह पहली लोकेशन ही हम ये मतलब ये कवर कर रहे हैं, एंड यहाँ पे बिल्कुल भी अभी टूरिस्ट नहीं है, बिल्कुल भी क्राउड नहीं है. सो हैप्पी, सो ग्लैड. यहाँ पे बढ़िया ऐसी फोटोज़ वीडियोज कर लो. एंड यहाँ पे आके 14,000 फीट पे लाइक मोस्टली लोगों के ये क्वेश्चन होते हैं कि ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है नहीं होती. सो ऑनेस्टली हाँ होती है. तो इसका एक सोल्यूशन है कि आप पानी पीते रहो स्लोली स्लोली. पानी पीने के साथ साथ धीरे धीरे लाइक अगर आप वॉक कर रहे हो या कोई भी काम कर रहे हो, एक्टिविटी कर रहे हो, तो जस्ट डू इट वेरी स्लोली. और यू कैन कीप अपने साथ कैम्फर रख सकते हो, गार्लिक रख सकते हो. इससे हेल्प होती है थोड़ी बहुत हाई ऑल्टीट्यूड में अगर जा रहे हो तो माउंटेन सिकनेस ना हो एंड ब्रीथिंग प्रॉब्लम ना हो. सो अभी मेरे को ऐसा नहीं है कि मुझे प्रॉब्लम नहीं हो रही, हो रही है, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू स्पीक स्लोली एंड जस्ट अभी वॉक कर रहे हैं, धीरे धीरे कर रहे हैं. रश नहीं करना, भागना नहीं है, और पानी पीते रहो, यही सोल्यूशन है. यस. आ चुके हैं कॉमिक में. अब कॉमिक क्या है, कॉमिक की स्पेशलिटी ये है कि है वर्ल्ड का हाईएस्ट विलेज विच इज़ कनेक्टेड बाय मोटरेबल रोड, एंड दैट्स व्हाई इट इज़ रियली पॉपुलर. हाइट अगेन आई थिंक कुछ 15,000 फीट के अराउंड ही है. और जो मैं आपको जिस तरह दिखा रही हूँ ना जगह कवर करनी है, तो ये बिल्कुल एक कह सकते हो एक सर्किट है. पहले लांगजा आया, अब कॉमिक, इसके बाद हिक्किम आएगा. तो इस तरह पूरी एक एक जगह कवर करते एक्सप्लोर करते चल सकते हो. सो ये देखो यहाँ बोर्ड भी लिखा हुआ है, हाईएस्ट विलेज इन वर्ल्ड कनेक्टेड विद मोटरेबल रोड. पॉपुलेशन भी है, मतलब यहाँ पे 114 लोग रहते हैं इस विलेज में. इतनी शांति है. एक चीज दिखाती हूँ ये देखो सब कैसे फोटोज ले रहे हैं, गुफा बनी हुई है. चलो यहाँ पे मैं भी करती हूँ थोड़ी बहुत फोटोज. दिखा हुआ वर्ल्ड हाईएस्ट रेस्टोरेंट, बट ये सब बंद है अभी. 11 बज गए, वैसे सब चीज़ें खुलनी स्टार्ट हो जाएंगी, बट अभी फ़िलहाल यहाँ सब बंद है. बट ठीक है ना, अभी शांति है, वरना अदरवाइज थोड़ी लेट आओ ना, यहाँ पे इतना क्राउड देखने को मिलेगा, फिर तो फोटोज़ करने का अभी कुछ मन नहीं करता. स्नो चारों तरफ, स्नो स्नो स्नो. गाइस नाउ वी आर एट वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस. हम वही सब हंस रहे थे कि हम यही बोली जा रहे हैं, वर्ल्ड्स का हाईएस्ट कैफे, हाईएस्ट मोटरेबल रोड, हाईएस्ट विलेज, हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस. तो स्पीति आके तो यही है, यही चीज़ हम टिक मार्क कर रहे हैं. आई लव वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस हिक्किम एट ऑलमोस्ट 14,500 फीट अबव सी लेवल. पहले ना पता ये बोर्ड जो मैं लास्ट में आई थी यहाँ पे था, एंड मैंने इसके पीछे फ़ोटो करवाई थी. यहाँ से मुझे पोस्ट कार्ड पोस्ट करने हैं वर्ल्ड हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस से, तो मुझे बेसब्री से इंतज़ार था. ये आज का आज के दिन की हाईलाइट रहेगी मेरी, पोस्ट ऑफिस से यहाँ से पोस्ट कार्ड भेजना. सो यहाँ पे मिल भी रहे हैं. कितने का भैया एक पोस्ट कार्ड? पोस्ट कार्ड 30 रुपीज़. अच्छा, और ये वहाँ पे एक पार्सल कर सकते हैं ना, वहाँ पे करेंगे ना पोस्ट? ठीक है, यहाँ से लेना है. ठीक है, चलो गाइस मैं लेती हूँ यहाँ से.
सो गाइस मैंने यहाँ पे पोस्ट कार्ड्स ले लिए, वहाँ पे अपना मैसेज लिख दिया है, एड्रेस लिख दिया है जिसको भेजना है। अब मैं जा रही हूँ ऊपर स्टैंप लगवाने। स्टैंप लगवाने के बाद नीचे आई थिंक हमें बस पोस्ट करना है इसको। कितनी बढ़िया चीज़ है ना, बहुत मज़ा आता है। आई एम टेलिंग यू, जब भी स्पीति आओगे ये ज़रूर करना। एंड पहुँचने में आई थिंक कितना टाइम, 10 दिन लगा लो मैक्सिमम, क्योंकि जब मैंने लास्ट टाइम भेजा था यहाँ पर आई थी और जिनको मैंने भेजा था उनको मिल गया था 10-15 दिन के अंदर ही मिल गया था, विच वॉज टू सरप्राइजिंग बिकॉज आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस, बट वी गॉट दैट। सब देखते हैं कितने दिन लगेंगे पहुँचने में। माई पोस्ट कार्ड इज ऑल सेट टू गो टू दिस पोस्ट ऑफिस, बस इसके अंदर डालना है एंड बस पहुंच जाएगा 10-15 दिन में। सो इट वॉज़ अ ग्रेट एक्सपीरियंस, आप भी आके यहाँ ज़रूर करना। कितने पैसे लगे मेरे यहाँ स्टैंप लगाने के? 6 रुपीज़। बाकी मैंने ये देखिए इनवेलप फ्री 10 रुपीज़, बहुत सस्ता है। मेजर हाईलाइट ऑफ स्पीति वैली, जो आपने इतनी फोटोज देखी होंगी इस मोनेस्ट्री की, वो है दिस वन की मोनेस्ट्री। एंड यहाँ पे देखो इसका जो टाइमिंग है, ये ओपन होती 7 AM एंड क्लोज होती 7 PM पे। एंड यहीं पर ही आपको अपने व्हीकल्स पार्क करने होंगे, ऊपर नहीं जा सकता, थोड़ी सी वॉक है। सांस चढ़ रही है मुझे, ब्रीथिंग प्रॉब्लम है यहाँ पे। ओके ये थोड़ी हिस्ट्री है की मोनेस्ट्री की, आप पढ़ सकते हो डेफिनेटली। चलते ऊपर। हर्बल टी वहाँ पे मिल रही है। सो टेंपल के अंदर का इस फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो मैंने अंदर बिल्कुल भी शूट नहीं करा, बाहर ही हूँ टेंपल के। और जैसे अंदर मोनेस्ट्री होती है बिल्कुल वैसे ही है, बट अलग ही फील है डेफिनेटली। और यहाँ पे हर्बल टी दे रहे थे तो मैंने ले लिया, यहाँ पे पीते हैं इसको। मैं देख रही हूँ कितनी ज़्यादा हमको हैवी ब्रीदिंग हो रही है। ऑफकोर्स टेम्परेचर भी कम है, हाइट भी बहुत ज़्यादा है, एंड इतना चढ़ के भी आया ऊपर। ओह माय गॉड, दिस इज सो गुड, सो गुड। बहुत ही अच्छी हर्बल टी है। Highest suspension bridge and this is Shisham bridge, और
ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे बहुत ज़्यादा. ओके, सो दिस ब्रिज इज़ रियली पॉपुलर इन स्पीति वैली बिकॉज ये बहुत हाइट पर है एंड ये एशिया का हाईएस्ट सस्पेंशन ब्रिज है. और नीचे अगर आप देख लोगे आपको चक्कर भी आ सकते हैं, इतनी ज़्यादा गहराई है. ये देखो, सो 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 डी. इतना ज़्यादा गहराई है ना, सोचो इतनी हाइट पर ये सस्पेंशन ब्रिज बना हुआ है. फीलिंग है कि भी अपने आप में भी एक कह सकते हो, एक बहुत ही बढ़िया फीलिंग है यहाँ पर होना. और ठंड है, बहुत ठंडी हवा चल रही है. 3 बज गए ऑलमोस्ट, अभी लंच भी नहीं करा, भूख तो लगी है. बट ये एशिया का हाईएस्ट सस्पेंशन ब्रिज, अगर स्पीति वैली आ रहे हो तो ज़रूर आना यहाँ पर एंड बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक करके जाना. क्राउड भी कम है तो. कितना गहरा है, हमारा स्पीति का ट्रिप तो यहाँ पर ख़त्म होता है. लेकिन देर इज़ अ लॉट मोर टू सी एंड लॉट मोर टू एक्सप्लोर. सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद सम न्यू लोकेशन एंड मोर अमेजिंग कंटेंट. आई होप सो कि आपने वर्चुअली इंजॉय करी है ये सीरीज भी. एंड लाइक करके जाना गाइस प्लीज़, अगर आपको पसंद आया तो. एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर, बाय एंड वेरी वेरी हैप्पी ट्रैवलिंग.